देखा होगा कि महेश जोशी जो बोले हिंदू थे, वो माइक पे इनोसेंटली बोले थे। कॉन्फ्रेंस चल रही थी 5 राज्यों के मंत्री आए हुए थे। इनोसेंटली इन्होंने कहा भाई प्रधानमंत्री ने वादा किया आपने तो ही कहा। मंत्री ने बड़े बड़े लेक्चर दे दिया, मैं राजनीति संन्यास ले लूंगा अगर प्रधानमंत्री शब्द बिगाओ तो योजना के बारे में। अब लेवे संन्यास को कहाँ चले गए, ये स्थिति है। और नहीं तो मुख्यमंत्री को आपको संन्यास लेना पड़ेगा, वो भी उन्होंने फरमान जारी कर दिया। आप बताइए, केंद्रीय मंत्री खुद मौजूद वहां पर, जो हम देखा फोटो के अंदर, उसके बाद में उस प्रकार की बात बोल रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन माइंड रहते हैं मीटिंग के अंदर। प्रधानमंत्री की मीटिंग में ऑप्शन माइंड रहना अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब हम कभी कहेंगे प्रधानमंत्री जी ऐसे निकम्मे मंत्री को रखते क्यों हो जो आपकी मीटिंग के में वो ऑप्शन माइंड रहता है। आप बोले आपने सुना ही नहीं, वो खुद ही कह रहे मैंने सुना ही नहीं इस बात को। भारत सरकार का रवैया ऐसा कभी भी आज़ादी के बाद में किसी राज्य के प्रति नहीं रहा होगा। जिस रूप में एक पत्र आया भारत सरकार का, जो अभी तक किसी को नहीं मालूम है, इस योजना को रोकने के लिए। अब आप बता दीजिए, आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो नहीं करो, वो लड़ाई चलती रहती डेमोक्रेसी के अंदर। पर ये आप कहें योजना को आप बंद कर दीजिए जब तक आपको नहीं कहें, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊँगा, मैं जोशी जी को कहूँगा जो लेटर आया है उसका उन्होंने हिंदी में प्रारूप बनवाया, वो उसको आपको पढ़ के सुना दे मेरे बाद में। मैं जो पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। पूरी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान राज्य की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। केंद्र सरकार के उपक्रम वेबकोस लिमिटेड, ये भारत सरकार का उपक्रम है। वेबकोस लिमिटेड बहुत ही प्रेस्टिजियस है, प्रतिष्ठित है। इसके द्वारा करीब 37,200 करोड़ रुपए की डीपीआर पिछली गवर्नमेंट जब थी वसुंधरा जी की, उस वक्त में 2017 के अंदर तैयार कर केंद्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु भेजी गई। परियोजना की डीपीआर उस समय राजस्थान रिवर बेसिन अथॉरिटी के चेयरमैन श्रीराम वेदिरे की देखरेख में बनाई गई। ये बात समझने योग्य है। तत्कालीन सरकार बीजेपी के वक्त में ये मिस्टर जो श्रीराम वेदिरे हैं, इनको वसुंधरा जी ने इस अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया होगा। राजस्थान के अंदर उनकी देखरेख बनाई गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, वो मिस्टर श्रीराम वेदिरे आज जल संसाधन मंत्रालय जो भारत सरकार का है उसके सलाहकार वही है। आप एक मिनट समझ जाएंगे। जो यहाँ पर थे इनके वसुंधरा जी के एडवाइजर, जिसने योजना बनाई, वो आज उस मंत्रालय के एडवाइजर है जिसके शेखावत मंत्री है। मध्य प्रदेश एआरसीपी पर ऑब्जेक्शन किस आधार पर उठा रहा है, हम ये क्वेश्चन करें, जबकि उसने 2005 की बैठक में हुए निर्णय ही अपनी परियोजना बना ली। उसने 2005 में जो मीटिंगें हुई थी उसके आधार पर खुद की मीटिंग खुद तो बात बना ली, उन्होंने अपना काम कर लिया। अब जो राजस्थान की बारी आई तो उसके हटाने उटकने काम कर रहा है। जो आप जानते क्यों कर रहा होगा, ऊपर के इशारे होंगे। जो राजनीति चल रही देश के अंदर, ऊपर के बगैर इशारे क्या औकात है उनकी। मध्य प्रदेश की सरकार उनकी है, 2 मिनट लगते हैं। अगर नीत साहब मंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की 2 मिनट का काम है, एक टेलीफोन करना शिवराज सिंह चौहान जी को, आप क्यों ऑपरेशन कर रहे हो, खत्म हुई बात। 6 अक्टूबर 2018 को आयोजित रैलियों में एआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया था, जो किस प्रकार किया था आपने देखा, अभी सुना। मैं आपको फिर भी वर्बेटम एक बार और पढ़ के सुनाता हूँ, जिससे कि क्लैरिटी दिमाग के अंदर। प्रधानमंत्री महोदय बोलते हैं 7 जुलाई जयपुर के अंदर, आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री, अब वो आपकी लोकप्रिय थी या अलोकप्रिय थी उनके लिए वो तो अलग बात थी। वो तो आप जानते हो कि लोकप्रिय और अलोकप्रिय क्या थी, प्रधानमंत्री के दिल में क्या उनके प्रति भावना थी, वो देश पूरा जानता है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। फिर वो पब्लिक को बताने के लिए कह रहे हैं, आपकी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया है, राजस्थान सरकार और बीजेपी के विधायकों, जो आप लोग बेटे विधायक हैं, वो विधायकों द्वारा एक मांग केंद्र सरकार के सामने रखी गई है, पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तौर पर घोषित करें। ये आप देखिए वर्डिंग में, जल शक्ति मंत्री जी ने इस योजना से सिंचाई कंपोनेंट को हटाने का उल्लेख प्रेस वार्ता के दौरान किया था, लिखित में नहीं किया है। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप ये हटा दीजिए सिंचाई कंपोनेंट, ऐसा कुछ उन्होंने सुझाव दिया था। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने वर्ष 22 तक किसानों की आय दोगुनी करने का एक तरफ लक्ष्य निर्धारित किया है, और ऐसे कदमों से किसानों की आय कैसे दुगनी होगी, हम अपने प्रदेश के किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे, इसलिए इस परियोजना में सिंचाई सुविधा के प्रावधान को नहीं हटाया जाएगा। इस परियोजना के महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार जल्दी से राष्ट्रीय महत्व की परियोजना की दर्जा दे, ये हमारी मांग है। जब तक केंद्र सरकार इस योजना को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा नहीं देती थी, राज्य सरकार अपने साधनों से इस परियोजना कार्य जारी रखने का संकल्प लेती है। ये अफवाहें चला के ही तो राज कर रहे हैं देश के अंदर भी, अफवाहों से ही तो तनाव और हिंसा हो रही है देश के अंदर। एक अपील करने की हम बार बार प्रधानमंत्री महोदय को अपील तो कर दो, कोई आप शांति रखो, सद्भाव रखो, प्रेम मोहब्बत से रहो और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये तो कहना उनको। वो कहने में वो कंजूसी क्यों कर रहे हैं, ये समझ के परे हैं, ये स्थिति बनी हुई है। राहुल गांधी जी का ऑफिस को तोड़फोड़ कर दी वायनाड के अंदर, जहाँ वो MP है केरला के अंदर। आप मेरे कुछ लोगों को मालूम होगा, देखा होगा आपने, GTV ने चला दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरा ऑफिस टूट फूट हो गई, बच्चे हैं, इनको माफ करो। उन्होंने चला दिया। उदयपुर में जिन्होंने कत्ल किया है उसके बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं बच्चे हैं, इनको माफ कर देना चाहिए। पूरे देश में तो भयंकर आक्रोश है, पूरा देश हिल गया उस घटना से। मैं खुद जाके आया हूँ, परिवार से मिलकर आया हूँ, राजस्थान हिल गया है, जगह जगह कस्बों में और सब जगह जुलूस निकल रहे हैं। शांति स्थापित करने में अपन कामयाब रहे, दोनों को अरेस्ट कर लिया, टाइमली अरेस्ट कर लिया आप लोगों ने। SOG ने काम शुरू कर दिया, अब NIA ने ले लिया काम, देखते हैं कितना जल्दी वो पूरा कोशिश करते हैं सजा दिलाने के लिए। आप बताइए कि इस प्रकार से नेशनल मीडिया ये कहे राहुल गांधी के नाम से, उदयपुर की घटना के बारे में कह रहे हैं बच्चे इनको माफ कर दो। आप सोच सकते हो किस लेवल पे जाके राजनीति देश की हो रही है, उसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।